लोकसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी की ओर से की गई घोषणा को अब कांग्रेस पूरी तरह से भुनाने में जुट चुकी है। पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने जिला कांग्रेस कमेटियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मिनिमम इनकम गारंटी को आमजन तक पहुंचाने के निर्देश जारी कर दिए, जिसे लेकर ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस जुमलों पर विश्वास नहीं करती। राहुल गांधी का सपना है कि देश को गरीबी से मुक्त किया जाए, जिसके लिए जिन परिवारों की आय 6,000 से कम है उन्हें कांग्रेस की सरकार बनने पर 6,000 रुपए केंद्र सरकार सहायता के रूप में देगी, जिससे कि गरीबों को गरीबी मिटाया जा सकेगा। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पिछले जो चुनाव मुद्दे थे वे इस बार नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 को हटाने और हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए डालने और साथ ही 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही थी, लेकिन एक भी वादा इन 5 सालों में पूरा नहीं किया गया। आज भाजपा एयर स्ट्राइक जैसे मुद्दों के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है। और कटारिया ने यहां तक कहा कि जब पुलवामा में हमला हुआ तो देश में हाहाकार मच चुका था और अब पीएम मोदी बताएं कि 300 आतंकियों को कहां मारा गया और उन्हें कहां दफनाया गया। जनता को इसकी सच्चाई बतानी होगी और इसके सबूत भी केंद्र सरकार को देश को देने होंगे। व्यक्तिगत हमले राहुल गांधी जी पे हो रहे हैं मोदी जी की तरफ से, और राहुल गांधी जी देश की जनता के सामने बेखौफ होकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और जिस तरह से उनके परिवार को टारगेट किया गया है वो आप सभी को ध्यान है। राहुल गांधी जी बेबाक अपनी बात कहते हैं, और चूंकि वो लोग सत्ता में हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस देश के लोगों का ये भी मानना है कि जो सत्ता में होते हैं उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा रुझान है, पर राहुल गांधी की दमखम में कहीं कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम, नीतिगत फैसले लेने का काम और पार्टी को मजबूती करने में राहुल गांधी जी कहीं पीछे नहीं है उनसे। आपने देखा होगा अभी ये जो 72,000 रुपये गरीब आदमी को देने के बाद की, ये वो तबका है देश का 20% लगभग कि जिनको आज आवश्यकता है, तो इस बात को राहुल गांधी जी ने तो पहचाना। इन लोगों ने 15 लाख की जुमलेबाजी की, लोग झांसे में आ गए, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, नौजवान झांसे में आ गए। अब आज ये अंतरिक्ष की इनकी बातें करते, भाई जमीन पे क्या हुआ ये तो बताओ। कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस देश में कुछ नहीं करती, तो आज देश की जितनी सड़कें जितने शहर हैं वो गाड़ियों से भरे पड़े हटे पड़े। जो राहुल गांधी जी ने 26 तारीख को जो घोषणा की है कि 6,000 रुपया प्रति परिवार, जो जिन परिवारों की मासिक आय 6,000 रुपये प्रति महीने से है या उससे कम है, उनको 6,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से सालाना 72,000 रुपये कुल उनको दिए जाएंगे, और एक बड़ी योजना जिसमें 15 से 20 करोड़ परिवारों को डायरेक्ट फायदा होगा। जिस तरीके से मोदी जी ने झूठे झांसे दिए, झूठी बातें की, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करके किसानों का। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।